नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों आज है मैं जबलपुर में और आपको दिखाने वाले हैं, आज बताने वाले भी हैं, दिखाने वाले हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा, भेड़ा घाट के बारे में। जबलपुर में एक प्रसिद्ध स्थान है जो भेड़ा घाट है, अपने नाम से प्रसिद्ध है। आपको वहाँ उसके बारे में दिखाने वाले हैं और कम पैसे में, मात्र 200 रुपये में आप वहाँ कैसे घूमेंगे, आपको आज पूरी जानकारी देंगे। ऑटो से लेकर के पूरा खर्चा, नौका विहार तक का वह पूरा खर्चा का आज जानकारी देंगे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप वहाँ के बारे में बता देते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि वहाँ घूमने के लिए कौन कौन से स्थान हैं, इसके बाद आप जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं दोस्तों, लिस्ट हमने बना लिया है, आपको बताएंगे कि क्या क्या स्थान है। पहले सबसे पहले फेमस है भेड़ा घाट में तो धुआंधार जलप्रपात, जो कि सबसे फेमस है। उसका कलर दूध के आकार का जैसे रहता है, उसी प्रकार से है धुआंधार जलप्रपात। दूसरा है रोपवे धुआंधार, आप एक साइड से दूसरे साइड जाएंगे, रोपवे धुआंधार वो भी वहाँ का फेमस है, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है भेड़ा घाट, आपको बताएंगे। भेड़ा घाट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है 164 योगिनी मंदिर, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और प्राचीन भारत, मतलब बहुत पहले की मंदिर है, अंग्रेजों के ज़माने से पहले की। वहाँ एक बहुत बड़ी मंदिर है जो कि सीढ़ी आपको अभी दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। अब चौथा नंबर है पंचमठा मंदिर, जस्ट बगल में 64 योगिनी मंदिर के थोड़ी सामने पंचमठा है, आपको बताएंगे वीडियो में। और एक आप जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं, क्या कि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो विजहर पार्क भेड़ाघाट जस्ट बगल में धुआंधार के आगे 500 मीटर दूर वहाँ है। एक रानी महल है, रुद्रकुंड है जो कि वहाँ मिलेगा आपको भेड़ाघाट में। शनि मंदिर लमेटा घाट वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, उसका भी आपको जानकारी वीडियो के अंत में जरूर देंगे कि लमेटा घाट कैसे पहुँचेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आप शुरू करते हैं, पूरा खर्च बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, आप जबलपुर पहुंचेंगे कैसे। तो दोस्तों आपके यहाँ से जो भी आने का साधन होगा तो आप अपने हिसाब से खुद मैनेज करेंगे, जैसे कि ट्रेन, अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी, कार, या कि फिर आपको जिससे भी आना है तो आप आ सकते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं कि जैसे बाइक ट्रेन आते हैं तो यहाँ उतरने के लिए कौन सा स्टेशन बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 स्टेशन है जबलपुर के अंदर। फर्स्ट स्टेशन है जबलपुर रेलवे स्टेशन जो मेन है, दूसरा स्टेशन है मदन महल रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों आप उतरे मेन स्टेशन से तो बेस्ट रहेगा। और यहाँ दोस्तों एयरपोर्ट भी है, अगर आप यहाँ हवाई हेलीकॉप्टर वगैरह से भी आते हैं तो यहाँ के लिए एक हवाई अड्डा भी है, उस हवाई अड्डे का नाम है डुमना हवाई अड्डा। तो अभी हम सब बताएंगे कि किराया लगभग कितने से कितने रुपए लगना है, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। अगर दोस्तों आप बस से आते हैं तो यहाँ आपको दीनदयाल बस स्टैंड भी, दीनदयाल बस स्टैंड में उतर जाएंगे। तो दोस्तों आप किस में से आते हैं आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे आपको बताते हैं कि अगर बाई ट्रेन से आते हैं तो आपको जबलपुर से लेकर भेड़ा घाट जाने का किराया कितना होगा लगभग। तो दोस्तों आप अगर जबलपुर स्टेशन जैसे ही पहुंचते हैं, स्टेशन में उतरने के बाद अगर आपका कम पैसे में जाना है तो आपको यहाँ का सिटी बस ले लेना होगा। सिटी बस अगर आप ले लेते हैं तो कम खर्चे में आप पहुँच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद का कैब बुक कर सकते हैं, मतलब कार वगैरह बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों या मैं कहूँगा तो सिटी बस ले लें तो बेस्ट रहेगा। तो सिटी बस का किराया लगभग 40 रुपये है जो भेड़ाघाट पहुँचा देगा रेलवे स्टेशन से। दूसरा है दोस्तों, आप यहाँ आते हैं जैसे बाई बस तो किराया लगभग 40 रुपये ही भेड़ाघाट तक का लगने वाला है, लेकिन आप अगर बाई हवाई से आते हैं जैसे डुमना एयरपोर्ट, वहाँ से चार्ज आपको लगभग 150 से 200 रुपये देना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ से किराया बता दिए हैं कि आप जबलपुर से और भेड़ाघाट कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों लगभग 20 किलोमीटर है, अगर आप बाइक से भी जाते हैं तो लगभग 20 किलोमीटर है, आप वहाँ आराम से पहुँच जाएँगे। अब वहाँ घूमने की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वहाँ आप जैसे ही उतरेंगे तो धुआंधार आप उतर जाइए। धुआंधार जलप्रपात में गाड़ी
स्टैंड के लिए 20 रुपये और एवं कार स्टैंड के लिए 50 रुपये चार्ज देना होता है। अगर आप बाई सिटी बस से आते हैं तो आपको वहाँ घूमने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। आप यहाँ पे आप संगमरमर के पत्थर से अपने नाम भी लिखवा सकते हैं पत्थरों में, या मूर्तियाँ भी खरीद लीजिए। दोस्तों अब एक है यहाँ पे रोप वे, आप नर्मदा नदी को पार कर सकते हैं और घूमने का प्लेस भी है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों रोप वे की बात करें तो वहाँ का किराया लगभग 100 रुपये के करीब है। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरा नंबर कि आप कहाँ घूमेंगे। तो दूसरे नंबर धुआंधार के जस्ट बगल में है 64 की युगनी मंदिर, करीबन 300 मीटर दूर, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो वहाँ जाने के लिए 64 युगनी मंदिर में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, मात्र आप नारियल वगैरह लीजिए और आराम से वहाँ पे दर्शन कीजिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर भेड़ा घाट, जो कि मेन है, जहाँ पे आपको नाव चलने को मिलेगा। तो वहाँ का नाम है दोस्तों पंचवटी घाट। पंचवटी घाट जाने के लिए आपको कोई ऑटो नहीं लेना है, आप पैदल ही जा सकते हैं। आपको ऑटो वाले मिलेंगे लेकिन आपको ऑटो वगैरह नहीं लेना है, तो वहाँ पर आप पैदल भी जा सकते हैं। तो वहाँ बात कर लेते हैं क्या क्या है पंचवटी घाट में। सबसे पहले तो वहाँ जाना माना नौका विहार है, आप नौका विहार मतलब नाव भी चढ़ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं वहाँ पहले जाने का, तो आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर प्रवेश द्वार लिखा मिल जाएगा, उसके अंदर जाएंगे तो आप नारियल वगैरह ले सकते हैं, माँ नर्मदा के लिए आरती पूजा भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नौका विहार का चार्ज, तो आप नौका विहार का चार्ज है मात्र 100 रुपये प्रति आदमी। अगर आप 15 लोग हैं तो खुद का एक 15 लोग 20 लोग हैं 20 लोग हैं जैसे माना कि, तो आप खुद का एक नाव बुक कर सकते हैं, उसका चार्ज वहां जाने के बाद 1500 रुपये 20 लोगों का लगने वाला है, लेकिन एक लोग का चार्ज 100 रुपये लगने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ आराम से घूम सकते हैं। अगर आपको होटल वगैरह लेना है तो वहाँ पे भेड़ाघाट पे बेस्ट होटल 400 से 500 रुपये में पर नाइट के अनुसार मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको अब समझ आ गया होगा, और होटल में ही रेस्टोरेंट की व्यवस्था होती है, जो कि एक थाली मात्र 100 रुपये में मिल जाएगी। और दोस्तों जैसे ही जो बताए हैं पंचवटी घाट के सामने ही एक बेस्ट होटल है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं और बेस्ट रूम भी है। तो दोस्तों आपको बता दिए कि क्या चार्जेस लगते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं इसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय नर्मदा।